ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلق والعبد عبد وهو الله رؤوف رحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فنظر إلى جدران المدينة أوزع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم و تعظیم حضرات سامعین کرام بزرگان دین چند دن قبل 14 اگست گزری ہے لوگوں نے جشن آزادی بڑے جوش و خروش سے منایا تقاریب کا انعقاد کیا گیا ہر جگہ پرچم کشائی دیکھنے کو ملی ہر آدمی کی اپنے ملک ہر آدمی کی اپنے شہر کے ساتھ ایک محبت ہوتی ہے یہ بھی اسی محبت کا ایک مظہر اور ایک وجہ کہ ہم اپنے ملک ہم اپنی سرزمین اور ہم اپنی ملت کے ساتھ پیار اور محبت کا اظہار سال کے بعد یوں کیا کرتے پاکستان ایک اسلامی اور ایک فلاحی ریاست آج سے تقریباً 5000 سال قبل ایک اور اسلامی اور فلاحی ریاست کی بنیاد رکھی گئی تھی جب بنیاد رکھی گئی بنانے والے نے اس کو بنایا لوگ وہاں آ کر آباد ہونا شروع ہوئے تو جس نے بنیاد رکھی تھی اس نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی تھی دوسرے لفظوں میں مجھے اور آپ کو پیغام دیا کہ دنیا کے اندر کوئی بھی اسلامی اور فلاحی ریاست اگر کوئی ہے تو اس کے لیے ان تین باتوں کا ہونا نہایت ضروری قرآن کے اندر وہ تینوں دعائیں موجود ہیں قرآن کے اندر وہ تینوں باتیں قرآن کے اندر وہ تینوں چیزیں موجود ہیں میں بڑے اختصار کے ساتھ نمبر وار وہ تینوں دعائیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتا ہوں
आप उनको आईना, उनको बुनियाद बनाकर अपने मुआशरे और अपने मुल्क और मिल्लत के अंदर आप तलाश कर सकते हैं कि आया ये सिर्फ़ एक नारा ही है या हकीकतन ये फलाही और इस्लामी रियासत है। अगर वो तीनों चीज़ें आपके पास मौजूद हैं तो ठीक है, मैं भी जश्न मनाता हूँ, आप भी जश्न मनाइए। और अगर वो तीनों बातें नहीं हैं तो फिर जश्न से हटकर ज़रा हमें सोचना भी चाहिए, ज़रा हमें गौर व फ़िक्र भी करनी चाहिए कि हमने मुल्क ले लिया, हमने वतन बना लिया, हमने एक खिता हासिल कर लिया, तो इस्लामी और फलाही रियासत के लिए बुनियादी तौर पर जिन तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है वो हमारे पास मौजूद नहीं। हम वो कैसे हासिल कर सकते हैं, हम वो कैसे अपने मुआशरे के अंदर पैदा कर सकते हैं, इसके लिए मुझे भी ज़रूरत है सोचने की और आपको भी ज़रूरत है सोचने की। वो तीन दुआएं कौन सी हैं, वो दुआएं मांगने वाला कौन था और कौन सी इस्लामी और फलाही रियासत थी। इस्लामी और फलाही रियासत मक्कातुल मुकर्रमा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब उसकी बुनियाद डाली वहाँ पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जाकर रहना शुरू हुए, आबादी बढ़ने लगी, तो हज़रत इब्राहीम ने तीन दुआएं मांगी थी इस बस्ती के मुतालिक। तीनों दुआएं कुरान के अंदर मज़कूर हैं। मैं नंबर वार वो तीन दुआएं आप हज़रात के सामने ज़िक्र करता हूँ। हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि या अल्लाह इस बस्ती के रहने वालों को ये तीन चीज़ें तो देना। सबसे पहली बात, सबसे पहली चीज़ जो हज़रत इब्राहीम ने मक्का के रिहायशियों के लिए अल्लाह ताला से मांगी थी, हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह ताला से कहा वाइज़ क़ाला इब्राहीमु रब्बी जअल हाज़ा बलदन आमिनन, या अल्लाह इस बस्ती इस रियासत को अमन वाला बनाना, अमन का गहवारा बनाना। ये सबसे पहली बात थी, ये सबसे पहली चीज़ थी जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का के रिहायशियों के लिए अल्लाह ताला से दुआ की है कि ये कामयाब इस्लामी और फलाही रियासत तब बनेगी जब इनके पास अमन होगा। अगर इनके पास अमन न हुआ, अगर ये अमन से महरूम हुए तो कभी भी ये कामयाब ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। और एक और बात, अमन आएगा कैसे, अमन आएगा जिस वक़्त निज़ामे आदल मजबूत, इंसाफ, अदल हर एक को मुयस्सर हो, हर एक को मुहैया हो और हर एक के लिए इंसाफ का तराजू, फैसले का तराजू एक ही हो तो आपके पास अमन होगा। अगर आपके पास अदल नहीं है तो कभी भी आपके पास अमन नहीं आ सकता। अमन के लिए जो चीज़ ज़रूरी है, अमन के लिए जो चीज़ बुनियाद है वो निज़ाम का आदिलाना होना है, निज़ाम का अदल के ऊपर मुश्तमिल होना है। और किसी भी कामयाब मुआशरे के लिए अदल इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप अदल की मिसाल समझना चाहें तो बड़े आसान से लफ्ज़ों में मैं यूं कहूँगा कि अदल की मिसाल ऐसे है कि जैसे किसी गाड़ी के टायरों के अंदर हवा है। गाड़ी इंतहाई खूबसूरत, महंगी तरीन गाड़ी है, खूबसूरत रास्ता है, लेकिन टायरों के अंदर हवा का बैलेंस बराबर नहीं है, हवा एक जैसी नहीं है, तो आप अपनी मंजिल पर कभी भी नहीं पहुंच सकते। वो 4 लाख की गाड़ी हो या 4 करोड़ की या 4 अरब या 4 खरब की गाड़ी है, अगर उसके अंदर हवा बराबर नहीं है तो आप कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। और अगर गाड़ी इंतहाई नाकार है, इंतहाई कमज़ोर, टूटी हुई है, रास्ता वीरान, रास्ता टूटा हुआ है, लेकिन गाड़ी के टायरों के अंदर अगर हवा बराबर है, हवा का बैलेंस मौजूद है, तो आप चलते चलते 1-2 दिन देर से सही, लेकिन आप अपनी मंजिल पर बड़े आराम से पहुंच सकते हैं। बिल्कुल यही मिसाल है अदल की। अगर किसी मुआशरे के पास अदल मौजूद है तो वो मुआशरा इंतहाई गरीब, उसके पास कुछ भी ना हो, अपनी मंजिल के ऊपर वो मुआशरा एक ना एक दिन ज़रूर पहुंच जाएगा। और अगर वो मुआशरा इंतहाई मालदार है,
और अगर वो मुआशरा इंतहाई मालदार है, दुनिया की हर नेमत, दुनिया की हर चीज़ उसके पास मौजूद है, लेकिन अगर उनका निज़ाम आदल मजबूत नहीं है तो वो मुआशरा कभी भी अपनी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंच सकता। आज ना सही तो कल सही, कल ना सही तो परसों सही, एक ना एक दिन वो मुआशरा अपनी मौत आप मर जाता है। तो किसी भी मुआशरे के लिए, किसी भी इस्लामी और फलाही रियासत के लिए सबसे पहले जिस चीज़ का होना ज़रूरी है वो है अमन। और अमन कैसे आएगा? वो है उस मुआशरे के पास आदिलाना निज़ाम हो, निज़ाम आदल उनका मजबूत है तो उनके पास अमन है, उनके पास अमन है तो ये दुनिया का खूबसूरत तरीन मुआशरा मौजूद। बदकिस्मती से ये पहली बात है, बदकिस्मती से ये पहली चीज़ है मेरा मुल्क जिससे महरूम है। एक बात यहाँ पर आप जहन में रखिएगा, मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं अपने मुल्क की कमी, नक्स और बुराइयाँ बयान नहीं कर रहा। इस मुल्क के साथ प्यार है, इस मुल्क के साथ मोहब्बत है, यहीं से मेरा खमीर इकट्ठा किया गया था, जमा किया गया था, इसी से उगा हुआ अनाज खाकर पला और बड़ा हूँ, इसी की मट्टी की चादर ओढ़कर सोना भी है। इस मुल्क के साथ गद्दारी नहीं है, इस मुल्क के ऊपर तनकीद नहीं है, मैं इसकी बुराइयों को उजागर नहीं कर रहा, आपके दिल के अंदर मैं इसकी नफ़रत नहीं बिठा रहा, लेकिन अगर किसी के साथ गिला या शिकवा हो तो आदमी को इतना तो हक होता है कि आदमी गिला और शिकवा करके उसको दूर करने की मेहनत भी करे और कोशिश भी करे। इसको सिर्फ आप एक गिला समझना, इसको सिर्फ आप एक शिकवा समझना, ये मेरी तरफ से तनकीद नहीं है। आपके दिलों के अंदर मैं इस मुल्क की कमी नहीं भर रहा, मैं आपके दिलों के अंदर इस मुल्क के बारे में नफरत नहीं पैदा कर रहा, लेकिन जब घर के अफराद आपस में बैठें, अगर किसी के दिल के अंदर कोई बात हो तो उस बात को सबसे पहले मशवरे में लाया जाता है, फिर उसको हल करने की कोशिश की जाती है। ये सिर्फ एक मशवरे के तौर पर, एक मशवरे के तौर पर ये बात मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूं, कोई तनकीद नहीं है, कोई दिलों के अंदर बुराई पैदा करना मकसद नहीं है, आपके दिलों के अंदर इस मुल्क के बारे में नफरत नहीं डाल रहा, सिर्फ सिर्फ एक गिला, सिर्फ एक शिकवा, सिर्फ ये सबसे बड़ा एक मसला है। कुरान भी जिसकी तरफ बार बार इशारा करता है, नबी का फरमान, नबी की ज़िंदगी और खुलफाए राशिदीन की ज़िंदगी जिसकी तरफ बार बार रहनुमाई करते हैं कि किसी भी इस्लामी और फलाही रियासत के लिए सबसे पहले जिस चीज़ का होना ज़रूरी है वो है उस मुआशरे का अमन। और अमन कैसे आएगा? जब उस मुआशरे के पास आदिलाना निज़ाम हो। और बदकिस्मती से मेरा मुआशरा इस पहली चीज़ से ही महरूम है। हमारा आदिलाना निज़ाम कैसा है भला? इसकी बीसियों मिसालें आपको दी जा सकती हैं और आप जानते भी हैं। मैं सिर्फ इशारा करता हूँ, गुज़िश्ता साल एक लॉन्ग मार्च के दौरान भुट्टो ख़ानदान की एक खातून है, उसको ड्रोन आकर लगा तो उसके ऊपर कमेटी बिठाई गई, तीन आदमियों की कमेटी तश्कील पाई कि ये जो इस खातून को जो ड्रोन कैमरा लगा है इसके पीछे वजह क्या है, वजह क्या है, इसको क्यों आपकार लगा है, ये पीछे कोई सियासत तो नहीं है, पीछे किसी ने कोई मंसूबाबंदी तो नहीं की हुई, वहाँ सिर्फ एक ड्रोन उसको आकर कैमरा लगा, हल्का सा ज़ख्म आया, उसके ऊपर बाकायदा कमेटी तश्कील दी गई है, और दूसरी तरफ मुलाजमा के ऊपर तशद्दुद करके उसको मार दिया गया और किसी ने एक जुमला नहीं बोला। खाने वाले पूरा मुल्क खा गए, लूटने वाले पूरा मुल्क लूट गए, किसी ने पूछा नहीं, किसी पे मुकदमा नहीं बना, किसी के खिलाफ बोलना किसी ने मुनासिब नहीं समझा, और पकड़ा बेचारा एक कुल्फ़ी वाला गया, पकड़ा बेचारा वो गया कि जो उस एरिया के अंदर कुल्फ़ी फरोश कर रहा था जहाँ इजाज़त नहीं है। ये मेरे मुल्क का निज़ाम आदल, ये मेरे मुल्क का निज़ाम आदल है। याद रखना,
कुफर के साथ मुआशरे तश्कील पा सकते हैं, कुफर के साथ हुकूमतें चल सकती हैं, लेकिन जुल्म के साथ हुकूमतें और मुआशरे ज़्यादा देर तक नहीं चल सकते। सबसे बड़ी और सबसे मशहूर मिसाल आप फिरौन की ले लें। फिरौन की हुकूमत तकरीबन 550 सालों के ऊपर मुहीत और मुश्तमिल है। जब तक वो जालिम नहीं था अल्लाह ने उसको डील दी है, जब उसने जुल्म किया, जब उसने बच्चों का कत्ले आम शुरू किया तो फिर अल्लाह ने उसको ज़्यादा मोहलत नहीं दी, बस उसकी रस्सी खींची और पानी के अंदर डुबो कर उसको गर्क कर दी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं फिरौन से बड़ा काफिर आज तक नहीं आया। काफिर बहुत हैं, खुदा का खुदाई का दावा करने वाले दुनिया के अंदर बहुत आए, लेकिन फिरौन वाहिद काफिर है जिसने कहा था आना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब। रब होने का दावा नमरूद का भी था, रब होने का दावा और बेशुमार काफिरों ने किया है, लेकिन सबसे बड़ा रब मैं हूँ ये नारा सिर्फ और सिर्फ फिरौन का है। इतने बड़े नारे के बावजूद अल्लाह ताला उसको मुसलसल मोहलत और डील दिए जा रहे हैं, क्योंकि उसके पास आदल था। जब वो आदल से महरूम हुआ उसने जुल्म शुरू किया, फिर अल्लाह ने उसको मोहलत नहीं दी, फिर सिर्फ उसकी हुकूमत चंद सालों की मेहमान थी और वो पानी के अंदर गर्क हुआ, डूबा, मरा और क़यामत तक के लिए अल्लाह ने उसको निशाने इबरत बना दिया। तो मेरा मुआशरा, मेरे मुआशरे के पास निज़ाम अदल नहीं है। गरीब के लिए पैमाना और है, अमीर के लिए पैमाना और है, पढ़े लिखे अफराद के लिए पैमाना और है, और अनपढ़ों के लिए पैमाना और, शहर के अंदर रहने वालों के लिए निज़ाम अदल और देहाती ज़िंदगी गुजारने के लिए निज़ाम अदल। और ये सबसे पहली बात, हज़रत इब्राहीम ने जब मक्का की बुनियाद रखी तो अल्लाह ताला से तीन बातें, तीन चीज़ें मांगी थी। सबसे पहली चीज़ मांगी कि या अल्लाह इनको अमन देना, और अमन आएगा निज़ामे अदल के साथ। मेरा मुआशरा निज़ामे अदल से महरूम है। हम अब ज़रा जश्न को एक तरफ रखिए और आप, मैं और आप दोनों इस बात के ऊपर बैठ कर गौर व फिक्र करते हैं कि मुआशरे के अंदर अदल और अमन कैसे कायम और बरकरार रह सकते। ये पहली दुआ थी, ये पहली चीज़ थी। दूसरी बात, दूसरी चीज़ जो हज़रत इब्राहीम ने मक्का के रहने वालों के लिए मांगी, अल्लाह ताला से दुआ की वर्ज़ुक़ अहलहु मिनस समरात, या अल्लाह इनको फल देना। रोटी नहीं कहा, रोटी नहीं कहा, कहा कि इनको फल देना। वजह क्या है भला? मुफस्सिरीन ने बड़ी खूबसूरत यहाँ पर एक बात जिक्र की है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि रोटी तो मालदार भी खाता है, रोटी तो भिखारी भी खाता है, रोटी तो वो मुल्क वाले भी खाते हैं जो तरक्की याफ्ता हैं, और रोटी तो वो भी खाते हैं जो अभी तरक्की पजीर हैं। रोटी तो हर शख्स खा लेता है, एक दिन के बाद खा ले या दो दिन के बाद खा ले। रोटी नहीं मांगी, कहा कि इनको फल देना। फल कौन खा सकता है वाला? जो मजबूत होता है, जो ताकतवर होता है, जो मालदार होता है, जो मुतमविल शख्स होता है। तो हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह ताला से दूसरी दुआ मांगी कि या अल्लाह इनकी मईशत को मजबूत और मुस्तहकम बनाना, या अल्लाह इनकी मईशत को मजबूत और इनकी मईशत को मुस्तहकम बनाना कि ये सुबह शाम फल खा सकें। रोटी गरीब भी खा लेगा, अमीर भी खा लेगा, रोटी देने वाला भी खाता है और रोटी मांगने वाला भिखारी और फ़कीर भी खाता है, लेकिन फल किसी किसी के मुकद्दर और किसी किसी के नसीब में होता है। हज़रत इब्राहीम ने मक्का के रहने वालों के लिए रोटी नहीं मांगी, बल्कि कहा कि या अल्लाह तो इनको फल देना। इशारा था, इशारा था कि या अल्लाह इनकी मईशत मजबूत, इनके पास पैसे और दौलत की फरावानी होगी तो ये खुद ब खुद फल खा लेंगे, और रोटी का तो कोई मसला ही नहीं होगा। जब फल खा सकते हैं, इतनी दौलत, इतना पैसा और मईशत इतनी मजबूत है कि इनके पास फल वाफिर मकदार में है, तो रोटी खुद ब खुद चल कर इनके पास आ जाएगी। ये दूसरी दुआ थी, ये दूसरी बात थी जो हज़रत इब्राहीम ने मक्का के रहने वालों के लिए अल्लाह ताला से दुआ की है। तीसरी और आखिरी बात,
अल्लाह ताला से दुआ की, रब्बना वबास फीहिम रसूलम मिनहुम, या अल्लाह इनके पास एक पैगंबर, एक रसूल और एक मुअल्लिम भेज जो आकर इनको इल्म से आशना कर दे। तीसरी दुआ ये मांगी है कि या अल्लाह इनको इल्म देना, इनको एक खूबसूरत मुअल्लिम, खूबसूरत टीचर और एक खूबसूरत उस्ताद देना जो इनको ज़ाहरी और बातनी, जो इनको रूहानी तमाम उलूम से आशना कर दे। गोया कि तीसरी दुआ हज़रत इब्राहिम ने मक्का के रहने वालों के लिए जो मांगी है, या अल्लाह तो इनको इल्म की दौलत से माला माल करना, मेरे मुल्क के पास पहली दोनों चीज़ें नहीं हैं, हमारे पास अमन भी नहीं है, हमारी मईशत भी मुस्तहकम नहीं है। वजह क्या है कि मेरा मुल्क इल्म से महरूम है, मेरे नौजवान के पास इल्म नहीं है। और इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या हो सकती है कि जिनको जब कुरान दिया जा रहा था, जिनके ऊपर जब शरीयत उतारी जा रही थी, पहली वही के अंदर 5 दफ़ा लफ्ज़े इकरा आया था, पढ़िए पढ़िए, ये इशारा था कि इल्म हासिल करोगे तो इस दुनिया के अंदर तरक्की तुम्हारे पीछे पीछे भागेगी, और अगर इल्म से तुम महरूम रहे तो दुनिया के अंदर जिल्लत तुम्हारा मुकद्दर होगी। हज़रत जिब्रील आए, हज़रत जिब्रील आए, आकर कहा या रसूल अल्लाह इकरा पढ़िए, आपने फरमाया मा अना बिकारी, मैं नहीं पढ़ सकता, मैं नहीं पढ़ सकता। हज़रत जिब्रील ने अल्लाह के नबी को पकड़ा, दबाया दबाया, बींचा, आपने फरमाया फ़ज़म्मनी हत्ता बलग़ मिन्नी अलजहद, हज़रत जिब्रील ने मुझे पकड़ा दबाया तो मुझे खौफ और ख़तरा महसूस होने लगा कि कहीं मेरी जान ना निकल जाए, कहीं मेरी जान ना निकल जाए। फिर छोड़ा और कहा इकरा या रसूल अल्लाह पढ़िए, आपने फरमाया मा अना बिकारी, मैं नहीं पढ़ सकता। फिर दबाया, फिर पकड़ा, फिर बींचा, फिर कहा इकरा या रसूल अल्लाह पढ़िए। तीसरी दफ़ा फिर आपने कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, 3 दफ़ा लफ्ज़े इकरा हज़रत जिब्रील की ज़ुबानी निकला था और 2 दफ़ा लफ्ज़े इकरा अल्लाह की तरफ से कुरान में आया था। गोया के पहली वही के अंदर मुझे और आपको ये दर्स और ये सबक 5 दफ़ा दिया गया था, इकरा पढ़िए पढ़िए, इल्म हासिल करोगे तो ये दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे होगी, और अगर तुमने इल्म को छोड़ दिया, बाकी सारा कुछ तुम्हारे पास आ गया, तो जिल्लत और तबाही तुम्हारा मुकद्दर होगी। इससे बढ़कर महरूमी और क्या हो सकती है कि आज उम्मत मुस्लिमा ने इल्म को बिल्कुल छोड़ दिया, पैसे के अंदर, आयाशियों के अंदर। हमारे नौजवान की ज़िंदगी का मेयाराज सिर्फ 2-3 बातें हैं कि खूबसूरत घर हो, खूबसूरत गाड़ी हो, खूबसूरत बेगम हो, 2-4 बच्चे हों, तो हम ये समझते हैं कि शायद हमने ज़िंदगी की मेयाराज को पा लिया है। याद रखना, ज़िंदगी की मेयाराज ये नहीं है, ज़िंदगी की मेयाराज ये नहीं है कि पैसा कमाया, जमा किया, खूब उड़ाया, आयाशी की और जाकर हमेशा के लिए मट्टी की चादर तान कर सो गए। किसी ने बाद के अंदर नाम भी ना लिया कि दुनिया के अंदर कोई शख्स आया था या नहीं आया था। दुनिया के अंदर कोई ऐसा काम कीजिए, दुनिया के अंदर कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम दीजिए कि चले जाने के बाद कोई 200 साल तक तो नाम लेने वाला कोई ज़िंदा रहे, 200 साल तक तो तारीख बार बार आपका नाम दोहराती रहे। पैसा कमाना और कमाते कमाते मर कर जाकर हमेशा के लिए मट्टी में मट्टी हो जाना, ये कौन सी ज़िंदगी है? अगर इसी का नाम ज़िंदगी है तो फिर जानवरों की ज़िंदगी तो हमसे बहुत अच्छी है कि उनको कमाने की फिक्र भी नहीं है, उनको 3 टाइम ताज़ा चारा, ताज़ा खाना उनको मिल जाता है, उनको तो इस चीज़ की भी फिक्र नहीं है। पता चला कि ज़िंदगी सिर्फ खाने पीने और कमाने का नाम नहीं है, ज़िंदगी नाम है इल्म का, ज़िंदगी नाम है इल्म का। उम्मत मुस्लिमा के लिए इससे बढ़कर अलमिया और क्या हो सकता है कि मुसलमानों की तादाद इस वक्त 1.5 अरब से ज़ायद है और हमारे पास नोबल इनाम, हमारे पास जो नोबल प्राइज़ है इल्म के नाम पर सिर्फ 3 मौजूद,
जिस उम्मत को पहली वही में कहा गया था कि पढ़ते रहना, इल्म ना छोड़ना, इल्म ना छोड़ना। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, आना बुइस्तु मुअल्लिमन, मुझे उस्ताद टीचर और मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है मुझसे इल्म हासिल करना। जिस उम्मत को बार बार इल्म की तरगीब दी गई है, आज उस उम्मत के पास सिर्फ तीन इनाम ऐसे हैं कि जो इसको सिर्फ इल्म की बुनियाद पर मिले हैं। और यहूदियों की तादाद आपकी तादाद का सोवा हिस्सा भी नहीं है, लेकिन उनके पास इल्म की बुनियाद पर जो प्राइज और जो इनाम हैं वो 180 के करीब हैं। यहूदी सिर्फ चंद लाख और इनाम उनके पास 180, और मुसलमानों की तादाद 1.5 खरब, और इल्म की बुनियाद पर जो हमें प्राइज मिले हैं वो सिर्फ और सिर्फ तीन है। ये उम्मत मुस्लिमा के लिए अलमिया नहीं है, ये उम्मत मुस्लिमा के लिए गौर व फिक्र का वक्त नहीं है, उम्मत मुस्लिमा के लिए सर पकड़ के बैठने का वक्त नहीं है कि जिनको कहा गया था कि इल्म हासिल करना, जिनको कहा गया था कि दुनिया की क़यादत तुम्हारे हवाले है, जिनको पहली वही के अंदर 5 दफ़ा ये सबक और दर्स दिया गया था कि पढ़ते रहना, आज उन्होंने इल्म छोड़ा, तबाही बर्बादी जिल्लत और ग़ुलामी उनका मुकद्दर है और मुकद्दर रहेगी जब तक हम दोबारा इल्म हासिल करना शुरू ना करेंगे। और इससे बड़ा एक अलमिया और है, इससे बड़ा एक अलमिया और है कि मेरे मुआशरे का सबसे बड़ा जो मसला है वो इल्म का फुकदान है कि मेरे मुआशरे के पास इल्म नहीं है। लेकिन टीवी पर बैठे हुए एंकर और सहाफी इन्होंने सुबह शाम महंगाई और दीगर मकासिद और दीगर चीज़ों के बारे में इतनी गुफ्तगू की है कि सारी कौम को भिखारी बनाकर रख दिया। जिस कौम ने गज़वाए हिंद लड़ना था, जिस कौम के कांधों के ऊपर पूरी दुनिया की हिदायत डाली गई थी, जिनको कहा गया था कि दुनिया की क़यादत तुम्हारे हाथों में है, आज वो कौम रूस की तरफ सिर्फ इसलिए देख रही है कि वहाँ से जहाज़ आएगा तेल लेकर और हमें 10 रुपये पेट्रोल सस्ता मिलेगा। जो कौम एशिया की तरफ इस वजह से देख रही है कि वहां से कुकिंग ऑयल आएगा और हमें 15 रुपये सस्ता मिलेगा। इस कौम ने तो गजवा हिंद लड़ना था, इस कौम ने तो गजवा हिंद लड़ना था, ये तो हजरत ईसा के हवारी बनने वाले थे, इन्होंने तो हजरत ईसा के साथ मिलना था, इन्होंने तो इमाम महदी का साथ देना था। इस कौम को भिखारी किसने बनाया? महंगाई मेरे मुल्क का सबसे बड़ा मसला नहीं है, हमने तो पत्ते भी खाए। आप ज़रा अपनी तारीख उठाकर देखिए तो सही, आप ज़रा अपनी तारीख उठाकर देखिए तो सही, सहाबा ने तो सिर्फ खजूर की गुठलियाँ भी चबाई हैं और उनको भी चूसा है। मैं मुझे माफ़ करना, शायद मैं गलत हूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने कुरान और हदीस का मुताला किया है, महंगाई इस उम्मत या इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला नहीं है। सबसे बड़ा अगर कोई मसला मौजूद है तो वो इल्म का फुकदान है। आप ज़रा तारीख तो उठाइए, इल्म के मराकिज हमेशा मुसलमानों के पास रहे हैं। इल्म का सबसे बड़ा मरकज़ और सबसे पहला मरकज़ मक्कतुल मुकर्रमा मुसलमानों के पास था, इल्म का दूसरा सबसे बड़ा मरकज़ मदीनातुल मुनव्वरा मुसलमानों के पास था, इल्म के मरकज़ फिर उसके बाद दो बने हैं, कूफा और बसरा, ये भी मुसलमानों के पास थे। उसके बाद जब तारीख आगे बढ़ी है, इल्म के मरकज़ फिर दो बने हैं, एक कुर्तबा और एक उंदलुस, ये दोनों भी मुसलमान थे। आप जरा अपनी तारीख तो उठाइए, इल्म के मरकज हमेशा से मुसलमानों के पास रहे हैं। महंगाई इस मुल्क का बड़ा मसला नहीं है, महंगाई सुबह शाम महंगाई बोल बोल के मेरे नौजवान को भिखारी बनाकर रख दिया था। जिसने लोगों की क्यादत करनी है, जिसके हाथों के अंदर लोगों की तकदीरें हैं, जिनको कहा गया था कि ये कुरान और हदीस तुम्हारे हवाले है, तुमने आगे लोगों तक पहुंचाना है, जिनको कहा गया था कि इमाम महदी का साथ तुमने देना है, जिनको कहा गया था कि गजवा हिंद लड़ा जाएगा, उसके अंदर जो शिरकत करेगा उसको उतना ही अजर मिलेगा जितना अजर गजवा बदर के शुहादा और शुरका को मिला था। आज वो कौम, आज वो नस्ल, आज वो नौजवान रूस की तरफ सिर्फ इसलिए देखे कि 10 रुपये पेट्रोल सस्ता मिले। इससे बढ़कर हमाकत और क्या हो सकती,
इससे बढ़कर अलमिया और क्या हो सकता है। कोई भी ये कहने को तैयार नहीं है कि महंगाई सबसे बड़ा नहीं है, मसला नहीं है। इस उम्मत का सबसे बड़ा मसला इल्म का फुकदान है, और इससे बड़ा अलमिया, इससे भी बड़ा अलमिया ये है कि मेरे नौजवान के दिलो दिमाग के अंदर एक गैर महसूस तरीके के साथ इल्म को निकाला जा रहा है कि सुनने वाले को पता भी नहीं चलता और वो इल्म से बहुत दूर जा चुका होता है। आज का एंकर और आज का सहाफ़ी जब टीवी के ऊपर बैठकर एक लिस्ट निकालता है, वो 10 नाम लेता है दुनिया के अमीर तरीन 10 अफराद, और एक एक का नाम लेकर वो बोल रहा होता है कि इनमें से कोई एक भी पढ़ा लिखा नहीं है। तो आप जरा सोचे तो सही कि आपके नौजवान के दिल और दिमाग के अंदर कौन सा पैगाम जा रहा है। आज जब टीवी के ऊपर बैठा हुआ सहाफी जब ये बात कहता है कि बिल गेट्स इसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है लेकिन ये फेल हो गया, इसका दोस्त पास हो गया, आज वही बिल गेट्स उसका मालिक है और पास होने वाला दोस्त उसके पास मामूली सी तनख्वाह के ऊपर काम कर रहा है। तो आप जरा सोचे तो सही कि आपके नौजवान के दिलो दिमाग के अंदर कौन सा जहर भरा जा रहा है और कौन सी ताकत है जो इस जहर को बाहर निकाल सकती है। आप ज़रा गौर तो करें, आप ज़रा फिक्र तो करें, इल्म के ऊपर बात करने वाला कोई भी नहीं, उल्टा इल्म के इल्म की नफरत, उल्टा इल्म की नफरत इस नौजवान के दिलो दिमाग के अंदर बड़ी खूबसूरती के साथ और बड़ी प्लानिंग और बड़े गैर महसूस तरीके के साथ डाल दी गई है कि आप दुनिया के अमीर तरीन अफराद का रिकॉर्ड निकालें, आपको एक भी पढ़ा लिखा नज़र नहीं आएगा। तो नौजवान ये कहेगा कि अगर पैसा कमाना तो फिर पढ़ाई के अंदर नहीं है। जब टीवी के ऊपर बैठा हुआ एंकर ये कहता है कि आप किसी की मुलाजमत करेंगे, आप पढ़ें और लिखेंगे और आप मालदार नहीं बन सकते, मालदार बनने का एक रास्ता है आप बिजनेस करें, आप तिजारत करें, तो नौजवान के दिलो दिमाग के अंदर इल्म की नफरत खुद ब खुद बरी जाएगी। ये वो दुश्मनी है जो मेरे नौजवान के साथ की गई, ये वो दुश्मनी है जो इस नौजवान के साथ की गई है। इसके दिलो दिमाग के अंदर इल्म, उस्ताद, स्कूल, कॉलेज, मदरसा, यूनिवर्सिटी, इन सब चीज़ों की नफरत बड़ी गैर महसूस तरीके के साथ कूट कूट कर भर दी गई है। याद रखना, महंगाई इस उम्मत का मसला नहीं है, रोज़ी मिल जाएगी, जो मुकद्दर में है वो मिलेगा। आप इल्म हासिल कीजिए, 75-76 साल तवील अरसा गुजर चुका, हम जश्न मना मना कर थक चुके, हमने हर जमात सियासी जमात को आजमाया सिवाय खोखले वादों और सिवाय झूठे नारों के, कुछ भी हमारे मुकद्दर और नसीब में नहीं है। अब आइए अपना रास्ता बदलते हैं। अब दो अफराद को दो तबकों को अब किरदार अदा करना पड़ेगा, एक उस्ताद और एक वालिदैन। उस्ताद के पास ये कुव्वत है, उस्ताद के पास ये ताकत है कि वो गिरे हुए मुआशरों को उठा सकता है, तबाह शुदा मुआशरों को उस्ताद दोबारा उठाने की काबिलियत और सलाहियत रखता है। जंगे अजीम दोम, जो दूसरी जो जंगे अजीम लड़ी गई थी, हिटलर से आकर किसी ने कहा था कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, बहुत ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, अल्लाह के वास्ते ये जंग बंद कर दो, अगर और लोग मारे गए तो ये मुआशरा कभी भी उठने के काबिल ना होगा। तो हिटलर ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी, उसने कहा था सिर्फ उस्तादों को छुपा लो, उस्तादों को साइड पर कर दो, उस्तादों के पास ये काबिलियत मौजूद होती है कि वो तबाहशुदा मुआशरों को दोबारा अपने पाँव के ऊपर खड़ा कर सकते हैं। अगर तबाहशुदा मुआशरों को उस्ताद उठा सकता है तो मेरा मुआशरा अभी इतना तबाह नहीं हुआ जितनी तबाही दूसरी जंगे अजीम के अंदर हुई थी। अब दो तबकों को, अब दो जमातों को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, एक वालिदैन अपने बच्चों की खूबसूरत तरबियत करके उस्ताद के हवाले करें और दूसरा उस्ताद मेहनत करे, दूसरा उस्ताद मेहनत करके इस मुल्क और मिल्लत को ऐसे अफराद तैयार करके दे जो इसकी खजा को बहार के अंदर बदल सके।
75 76 साल का तवील अरसा गुजर चुका, चारों तरफ खिजा ही खिजा नज़र आ रही है, बहार कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। अब ये दो तबके मैदान में हैं, सियासी जमातों को छोड़िए, हर एक से उम्मीद वाबस्ता करके देख लिया है, झूठे वादों और खोखले नारों के सिवा हमारे हिस्से और मुकद्दर में कुछ भी नहीं है। अपना रास्ता बदलते हैं, अपनी मेहनत बदलते हैं, अपनी नई नस्ल को तैयार कीजिए, नई नस्ल को तैयार कीजिए। जो मईशत के जो माहिरीन है वो कहते हैं कि अगर आपने देखना हो कि कोई मुल्क कितना माला माल है तो सबसे पहले देखिए उसके पास समंदर हैं, मेरे मुल्क के पास वो भी हैं, फिर देखिए दरिया हैं, मेरे मुल्क के पास वो भी हैं, फिर देखिए कि उस मुल्क के पास सहरा हैं, मेरे मुल्क के पास वो भी हैं, फिर देखिए कि उस मुल्क के पास मौसम कितने हैं, दुनिया के सबसे ज़्यादा और खूबसूरत चार मौसम मेरे मुल्क के पास मौजूद हैं, फिर देखिए कि उसके पास ज़रखेज़ ज़मीन मौजूद है कि नहीं है, हमारे पास वो भी है, फिर देखिए कि उसके पास पहाड़ हैं कि नहीं है, दुनिया की 6 बुलंद तरीन चोटियों में से 4 मेरे मुल्क के पास मौजूद हैं, फिर देखिए कि उस मुल्क के पास नई जनरेशन मौजूद है कि नहीं है, मेरे मुल्क के पास नई जनरेशन की भी फरावानी है। लेकिन वजह क्या है कि हम दिन ब दिन गिरते क्यों चले जा रहे हैं, वजह क्या कि गुलामी की जिंदगी हमारी लंबी और तवील तर क्यों होती चली जा रही है? इसके ऊपर कोई नहीं बोलेगा, इसके ऊपर कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं गुफ्तगू करेगा। सिर्फ एक बात, सिर्फ एक चीज, हमारे पास इल्म नहीं है। इल्म हासिल कीजिए, असातिज़ा बच्चों के ऊपर मेहनत करें, जो वालिदैन हैं वो बच्चों की खूबसूरत तरबियत कीजिए। आप शरीयत का मिजाज नहीं समझते, शरीयत 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 ने नमाज 15 साल के बाद फ़र्ज की है, लेकिन तरबियत बचपन से लाजिम और ज़रूरी कर दी है। कहा कि वालिदैन कोई काम ना करें, अगर खाने और पीने के लिए बाहर से किसी औरत का इंतज़ाम करना पड़े तो शोहर करे, लेकिन वालिदा को सिर्फ तरबियत के लिए फारिग रखे, सिर्फ तरबियत के लिए वालिदा को खाली रखे, उसके ज़िम्मे उसके कंधों के ऊपर और कुछ ना डाला जाए, उसको किसी बोझ तले ना दबाया जाए। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक बच्चा नहीं है, आपको क्या पता कि बड़ा होकर यही मुल्क का सदर बन जाए, आप क्या जानते हैं कि बड़ा होकर यही कर्नल बन जाए, आप नहीं जानते कि बड़ा होकर यही वजीर आजम बन जाए। आप सिर्फ बच्चे को एक बच्चा मत समझिए, एक बच्चे को पूरे मुल्क का मुस्तकबिल समझिए, एक बच्चे को पूरे मुल्क का मुस्तकबिल समझिए। कल को अल्लाह ताला उससे कौन सा काम लेने वाला है ये मैं भी नहीं जानता, ये आप भी नहीं जानते। अब दो तबकों को मैदान में उतरना होगा, एक असातिज़ा उतरे, एक असातिज़ा उतरे, इस मुल्क और मिल्लत को खूबसूरत अफराद मुहैया और तैयार करके दे, और दूसरे नंबर पर वालिदैन सामने आए कि बच्चों की खूबसूरत तरबियत करें। यहाँ पर एक छोटा सा गिला, एक छोटा सा शिकवा जो अक्सर असातिज़ा और वालिदैन की तरफ से सुनने को मिलता है कि वालिदैन ये कहते हैं कि बच्चे बात नहीं मानते, और असातिज़ा ये गिला और शिकवा करते नज़र आते हैं कि बच्चे अब वो नहीं रहे जो बच्चे पहले थे, ये बच्चे बात नहीं मानते। याद रखना कि वालिदैन और असातिज़ा ये दोनों कायद हैं, ये दोनों इमाम हैं, ये दोनों राहबर हैं, ये दोनों रहनुमा हैं। और आप जानते हैं जो राहबर और रहनुमा होता है उसका एक कदम आगे होता है, उसका एक कदम आगे होता है, पीछे चलने वालों का एक कदम पीछे होता है। अगर वालिदैन और असातिज़ा खूब मेहनत करेंगे, खूब तवज्जो देंगे, तो पीछे आने वाले बच्चे हों या पीछे आने वाली औलाद हो, वो मेहनत करेंगे लेकिन पहलों से थोड़ी कम करेंगे। अगर वालिदैन और असातिज़ा तहज्जुद और नवाफिल की पाबंदी करेंगे तो बच्चे और शागिर्द फ़र्ज की पाबंदी खुद ब खुद कर लेंगे। अगर वालिदैन और असातिज़ा मकरूह तंजीही खिलाफे औला से अपने आप को बचाएंगे तो बच्चे और शागिर्द हराम से अपने आप को खुद बचा लेंगे। और अगर वालिदैन असातिज़ा अपने आप को हराम से ना
ना बचा पाए, इन्होंने सिर्फ फ़र्ज नमाजों का अहतमाम किया, तो याद रखना बच्चे और शगीद फिर फ़र्ज के ऊपर भी कायम नहीं रह सकेंगे। आपको गज़वा खंदक याद होगा, एक सहाबी है, या रसूलल्लाह भूख की वजह से पत्थर पेट पे बांधा हुआ है, आपने कपड़ा उठाया और कहा कि मेरे सहाबी मेरे पेट के ऊपर दो पत्थर है। अल्लाह के नबी के पेट के ऊपर दो थे तो सहाबी के पेट के ऊपर एक पत्थर आया, अगर अल्लाह के नबी के पेट के ऊपर एक भी ना होता या बिल्कुल ना होता तो आप किस बुनियाद पे कह सकते हैं कि सहाबी के पेट के ऊपर एक भी पत्थर आ सकता था। जब कायद, जब इमाम, जब राहबर और रहनुमा दो पत्थर बांधेगा तो पीछे चलने वाला एक पत्थर खुद ब खुद बांध लेगा। असातिजा और वालिदैन खूब मेहनत करें, खूब तवज्जो दें तो पीछे आने वाले लोग थोड़ी मेहनत कम करके आपके पीछे चलते रहेंगे। और अगर आपने मेहनत ना, अगर आपने तवज्जो ना दी और फिर शिकवा किया कि बच्चे बात नहीं मानते, फिर शिकवा किया कि शागिर्द बात नहीं मानते, तो ये शिकवा शागिर्द और बच्चों से नहीं बनता, ये शिकवा फिर वालिदैन और असातिज़ा से बनता है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता।